नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत खोलिला तथाकथित गुरुजी मानस दास असल गुमर दादा हत्या करी पोड़ी अभियोग आणले सत्यव्रत पुतरा केस नदेवाक 10 लाख लांच जाचिथिले मानस दादा बटे आदाय करछंती संगठन लोके बसंत कहिले से गुरुजी नुहंती दलाल कोरियर पैकेट रे गंजे चोरा चलाण राजधानी 45 केजी गंजे जबत 2 गंजे बेपारी गिरफ ड्रेस भितर गंजे पुरे कोरियर कटले 2 युवक धरला शहीद नगर पुलिस पारालंपिक्स इतिहास रे जोड़ी है नुआ अध्याय भारत को मिलला प्रथम मेडल टेबुल टेनिस रे रौप्य पदक जीतिले भाविनाबेन पटेल ट्विट कर शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री राज्य 24 घंटे 849 संक्रमित चिन्हट 18 वर्ष कम वर्ग से 119 संक्रमित क्वारंटीन 491 लोकल केस 358 चिन्हट कोरोना आक्रांतों संख्या 10,06,503 को वृद्धि स्वाधीनता संग्रामी संपत्ति को बंधक रखी टंका लुट परिवार लोकों अजाणत विधानसभा बंधा पड़ी जमी चंचकता करी जमी को बंधा पकाई तत्कालीन विधानसभा कर्मचारी न्याय न मिलने विधानसभा सम्मुखें अनशन चेतावनी पुणि बढ़ला अंतराष्ट्रीय उड़ाण उपर स्थगितादेश 30 सेप्टेम्बर जाए नियमित यात्री उड़ाण उपर रोक वैशेक कोरोना संकट को नहीं डीजीसीए ऑर्डर जारी जरूरी परिस्थिति पाई जारी रहिबो उड़ाण आज जातीय क्रीड़ा दिवस हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद स्मृति को मन पकाऊ देश सेपटे फिट इंडिया मूवमेंट को पूरा 2 वर्ष कलिंग स्टेडियम रे लंच है हॉकी अंतिम टीजर गुरुजी ना भंड दलाल खोलिला तथाकथित गुरुजी मानस दास असल गुमर मानस दास आसला सांघातिक अभियोग संगीन अभियोग आणले मृत सत्यव्रत पुतरा बसंत आखि सामने दादा मृतदेह पोड़ी अभियोग आनी बसंत एपरिक दादा मृतदेह देखा देना दादा हत्या कर मानस दास लोक पोड़ी अभियोग आनी दादा हत्या पछे मानवाधी संगठन सदस्यों हाथ रही मानस दास निर्देश में बसंत दादा हत्या कर बसंत आहुरी मत अभियोग केस नदेवाक 10 लाख लांच जाचिथिले मानस दास सेपटे बसंत को फोन करमकई मानस हत्या भी संगीन अभियोग रही भी कहीं मानस दास को बांधनी पुलिस एभली प्रश्न करछंती बसंत मानस दास संगठन साप्ताहिक चंदा मागुले जातीयण विभेद सृष्टि करते खोर्धा बेगुनिया मानवादी संगठन बर्बरतार सामना को आसी संगठन सामिल होगा बाप पु को निर्घात माड़ मार जा खबर आसी जंगल भर नहीं कहले देखे तो दादा हार्ट रे मुझे कहली तो दादा मोर हार्ट रे चली गले मो खुड़ी अच्छी मो भौणी साना भौणी अच्छी मो पर अच्छी समस्त देखियो ना नहीं मो पर मो दादा को सबको देखियो ना नहीं सब मत दि ना गुरुजी को निर्देश अच्छी सर्व शब दि हम सब संस्कार ये कराहब गुरुजी के मानस दास सान गुरुजी मनोरंजन दास पु मानस दास पु सबटा दे गुरुजी नेतृत्व ये सब पोड़ा हाब सब पोड़ा सरपुर मत गोटे अस्थि देखिए छाड़े कहे नहीं अस्थि देखे जा का किसी हालाचिल्ला करूँ ना मु आस कांदी उभ कि मो खुड़ी आगे कहली मो बापा आगे भी कहली मो बापा अच्छा आगे भी कहली समस्त आज्ञा सब मरला भाया अवस्था बर्तन पड़े कांदी बोध हो मैंने बहुत सांघातिक घर मुझे संभाली पारे आज्ञा मो बापा जेहेतु मुझे संभाली पारे मो दादा कि मो बापा संभाली आज्ञा जो कम बड़ा सब तुमको नहीं जीवी
ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଳେ ରହିଯେ ତମକୁ ଉପରେ ରଖିଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ପାତଳ ଖଟେଇବି ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ରହିବାରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହୁଏ ସବୁ ରହିବାରେ କିଏ 200 ଦେଲା କିଏ 300 ଦେଲା ଫର୍ମ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ହୁଏ କିଏ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି କିଏ 5000 ଦେଲା କିଏ 10000 ଦେଲା ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହୁଏ କିଏ କିଏ କରନ୍ତି ମାନସ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ अब यहाँ पर उड़ीसा में 2728 गांव यहाँ 50% से ज़्यादा ऐसी है 4525 गांव ऐसे हैं जहाँ 40% से ज़्यादा आबादी है ऐसी यानी कि 18% ऐसी है जो अत्यंत गरीब है दयनीय हालत में समुद्र के किनारे जो भी हमारे एरियाज हैं वहाँ ऐसी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है हम आपके माध्यम से और मोर्चा के माध्यम से भी हम एससी आयोग में भी जाएंगे यहाँ की सरकार जो एससी के साथ अन्याय कर रही है उनके अधिकारों को छीन रही है उसके खिलाफ हम एससी आयोग में मोर्चा जाएगा जैसे एससी सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार देती है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार एससी सब प्लान का पैसा किसी अन्य मद में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता अगर डाइवर्ट किया जाता है तो इसको अपराध माना जाता है जिसमें शीला दीक्षित ने राष्ट्रमंडल खेलों में इसी राशि को डाइवर्ट किया था तो उन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था यहां बीजेपी की सरकार भी एससी सब प्लान का पैसा डाइवर्ट करके अन्य कामों में खर्च कर रही है जो पैसा एससी के कल्याण उनके गांव के विकास पीने का पानी सड़क सीमेंट कंक्रीट लाइट इस पे खर्च होना चाहिए उसको डाइवर्ट कर रही है ये एससी के साथ बहुत बड़ा धोखा यहाँ की सरकार कर रही है इसके साथ ही राज्य सरकार में एक काम और बड़ा हो रहा है जो बहुत गलत है यहां की सरकार को एससी के विकास और कल्याण के लिए कोई आधारभूत निर्णय करने चाहिए वो ना करते हुए एससी का बोर्ड तो ले रही है सरकार तो बना रही है मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनना है लेकिन उसका वोट लेकर उसके साथ न्याय नहीं कर रही है एक बहुत बड़ा धोखा बीजेपी की सरकार यहाँ कर रही है आने वाले समय में एससी मोर्चा पहले भी यहाँ पर आंदोलन किए हैं मोर्चे ने आने वाले समय में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के माध्यम से आंदोलन के माध्यम से हम सड़कों पर उतरेंगे आज राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा उस राजनीतिक प्रस्ताव में आने वाले 3 महीने की कार्ययोजना बनेगी कि सरकार के खिलाफ हमें कौन से स्टेप उठाना है जो दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है उनका विकास रोका जा रहा है मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूँ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ एक तरफ 57 साल में कांग्रेस की सरकार ने 12 मंत्री एससी के कभी नहीं बना पाए लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार एससी के 12 मिनिस्टर बनाए हैं 4 राज्यपाल बनाए हैं एक बहुत बड़ा अनुसूचित जाति को सम्मान उन्होंने दिया है और देश के करोड़ों गरीब जिसमें बहुसंख्यक एससी एसटी के लोग भी हैं विभिन्न जाति समाज के भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं गरीब योजनाएं लागू करके वैक्सीनेशन फ्री करके 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देकर उन्होंने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र पर वो काम कर रहे हैं और एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां अत्याचार हो रहे हैं केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है एससी के लोगों पर महिलाओं के ऊपर झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वैक्सीन बड़ी संख्या में डोज बेकार होते हैं छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप देखिए मैं बीच में गया था एससी की महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं ऐसे ही बीजेपी की सरकार में भी एससी के ऊपर होने वाले अत्याचारों में
एससी के लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है, उनके विकास के काम रोके जा रहे हैं। आज बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति यहाँ चल रही है। हम लोग आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के खिलाफ शंखनाद करेंगे, एससी के लोगों को न्याय मिले उसके लिए आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ भी उड़ीसा के अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिले वो हम आवाज़ उठाएंगे। आज हम इसी के लिए आज उड़ीसा आए हैं। आप लोग कोई प्रश्न आपको लगता हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। सर, अनुसूचित जाति के ऊपर यहाँ पे जो अत्याचार होने की आप बात बोल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या क्या करेगा पार्टी यहाँ पे? दिगू जी है यहाँ पे, दिलीप जी भी है, बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति के मोर्चा के बैनर पर पिछले दिनों प्रदेश भर में, जिले भर में हम लोगों ने आंदोलन किए थे। आज राजनीतिक प्रस्ताव आगामी कार्यक्रम आ रहे हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उनके विकास और कल्याण का पैसा आए, उसके साथ न्याय हो, उन तक पहुंचे, उन पर होने वाले अत्याचारों में जो अपराधी है उनको सजा मिले और एससी के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे। चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, आने वाले समय में हम स्टाफ ये कदम उठाएंगे। धन्यवाद। खबर चल रही है, समय चेक ब्रेक रहा। स्वागत। कोरियर पैकेट्रे गंजेई चोराचालाण, राजधानी गिरफ हेले दुई गंजेई बेपारी। नुआदिल्ली दुईज युवक ड्रेस भितर गंजेई पूरी कोरियर करुले, कोरियर समय सन्देह होवर पुलिस को अवगत करते कोरियर संस्था। शहीदनगर थाना पुलिस कोरियर खोलिया पर 45 किलोग्राम गंजेई बाहर, यापर दुई अभियुक्त को गिरफ कर सहित 45 किलो गंजेई जबत हो। ଏମାନେ 4-5 ଥର କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଡ୍ରଗ୍ ଆଉ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ତଥ୍ୟ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ। प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो और दूरदर्शन मन रहा कहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। क्रीड़ा दिवस में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दे 41 वर्ष पर भारतीय हकी जीवन आसला। हकी पदक जितवा ही प्रकृत आनंद दे, खेल प्रति युवकों आकर्षण बढ़ुच्छे, आत्मशक्ति बढ़ी, एवं युवकों मन में परिवर्तन आसी। भारतीय खेलना तैयारी करवक जहाँ मार्केट्रे भल बिक्री होती प्रधानमंत्री। स्टार्टअप्रे युवपीढ़ी मन में उत्साह उद्दीपना भर रही। क्रीड़ा क्षेत्र में युवकों मध्य नुआ संभावना सृष्टि होती। समस्त प्रयास में क्रीड़ा क्षेत्र में अग्रगति करवा, टेक रखा, खेल प्रति युवकों उत्साह बढ़ुच्ची प्रधानमंत्री। आसंता जन्माष्टमी थी भगवान श्रीकृष्ण स्मृतिचारण कर मोदी। जन्माष्टमी अवसर देशवासी को शुभेच्छा जनई गत 20 सोमनाथ मंदिर विकास कार्यर शुभारंभ हो। पुस्तक श्रीकृष्ण विभिन्न अवतार चित्र देखि आमोदित होता कथा कहते प्रधानमंत्री। भारतीय दर्शन संस्कृति को विदेशी भक्त अनुसरण कर जदुराणी द्वारा कृष्ण प्रतिच्छवि अंकन को प्रशंसा करते प्रधानमंत्री। कोरोना काल में स्वच्छता प्रति ध्यान देवाक परामर्श देते स्वच्छ भारत अभियान रैंकिंग रे इंदोर नंबर वन दोहराई मोदी। स्वच्छ भारत अभियान को जारी रखा मोदी आह्वान देते आम देश भी स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन कर गाँ गाँव जैविक खत प्रति आकृष्ट बढ़ुचे, यही आत्मनिर्भरता। प्रति पंचायत अभियान जारी रखा प्रधानमंत्री आह्वान देते। तमिलनाडु शिवगंगा खतर विजुली सृष्टि होम संस्कृत भाषा सहज सरल प्रधानमंत्री। गुजरात रे एफएम रेडियो द्वारा संस्कृत भाषार
प्रसार को प्रशंसा करछन्ती। ऑस्ट्रेलिया रे संस्कृत दिवस पालन उपरे आलोकपात करछन्ती प्रधानमंत्री। आगकु विश्वकर्मा पूजा सूची विश्वसर्जनार स्रष्टा होछन्ती विश्वकर्मा। अमर दक्षता प्रतिपादन भगवान विश्वकर्मा को आशीर्वाद द्वारा संभव। आमे एपरि काम करबा जहां अन्यर विकास रे सहाय्य करबा। सेपरि प्रधानमंत्री कहिछन्ती मन की बात कार्यक्रम केवल देश रे सीमित नहीं विदेश रे भी तार चर्चा होछि। देश रे 62 कोटी रो अधिक लोके कोविड टीका नै सारिछन्ती। कोरोना प्रति आम सतर्क रहा सजग रहा प्रधानमंत्री। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। पूरी बढ़िला अंतरराष्ट्रीय उड़ान उपर स्थगितादेश। 30 सेप्टेम्बर जाए नियमित यात्री उड़ान उपर रोक लगा जाए। वैश्विक कोरोना संकट को दृष्टि रखी डीजीसी पक्षर निर्देश जारी करा जाए। तेज रोक केवल यात्रीवाही उड़ान उपर लगा जाए। तेज जरूरी परिस्थिति पर उड़ान जारी रही क्या। सूचना अधिकार आईन रे सूचना मागिले माड़। दुर्नीति धरा पड़ा भयरे मंत्री को लोक सूचना अधिकार कर्मी को माड़ मार्थिबा अभियोग होई छि। थाना रे अभियोग परे मध्य शुणुना पुलिस भयरे गाँ छाड़ीबा को बाध्य हेलेनी सूचना अधिकार कर्मी को परिवार। ढेंकानाल कामाख्या नगर आसी एभली सांघातिक अभियोग। ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि विप्लव रावल। विप्लव, घटना कौन? कारण आगुरु दुर्नीति विरुद्ध मुह खोले तो माड़ मिलता, एवं दुर्नीति विरुद्ध जानापी जो सूचना अधिकार कर्मी मैंने चाहूंट आटाई तथ्य मगुंट आक्रमण शिकार होती जो यही घटनाटी आ ढेंकानाल एक्जाक्टली कौन घटे। हाँ देखो नीलिमा, आम जब कहीपर तेज ढेंकानाल कामाख्या नगर ब्लक जिराला ग्राम जे रही महेश्वर महांती से जन हो सूचना अधिकार कर्मी और से मध्य जड़े अवसरप्राप्त सैनिक थे। तो से जितने विभिन्न पंचायत होता विभिन्न प्रकल्प विषय जितने से तथ्य मागिया तथ्य जितने से मागि तथ्य से गुड जब जना पड़ा से किसी दुर्नीतिर गंध आसला तेज जब से तथ्य मागिता तेज तरकू कि लोक आक्रमण करते जहाँ नहीं जहाँ गत 8 तारिख में आक्रमण होता से एने कामाख्या नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दायर करते तेरे तर अभोग रही जो कार्यगुड़ी से किसी शासक दल नेता मंत्री जी रही प्रफुल्ल मल्लिकर कि अनुगत मान से दुर्नीति लिप्त अच्छा आक्रमण कर तेरे एने से कामाख्या नगर थाना नहीं एक रिपोर्ट एफआईआर दायर करते मात्र बर्तमान घटना को 20 दिन बीती जाते सुधा कामाख्या नगर थाना पुलिस कौन प्रकार कार्यानुषानी तेरे आम सहित बर्तमान उपस्थित अच्छा से निजे आरटीआई कर्मी उपस्थित अच्छा महेश्वर महंत सहित आम आलोचना करवा कौन कह सर एक्जाक्टली कौन आप हूँ महेश्वर महांती जड़े अवसरप्राप्त सैनिक आउ सूचना अधिकारी कर्मी मो जीवन में मुझे 24 वर्ष भारत सरकार सहित सर्विस दे आउ आसिला परे दुर्नीति विरोध में लड़ापी मुझे जे आरटीआई कर्मी हिसाब से काम करी किंतु जितेबले जिराला पंचायत रे महा दुर्नीति से दुर्नीति पर्दाफाश होगापी आम मंत्री इंगित या 2020 मसीह मुझे समवाय दुर्नीति गोटे आरटीआई रे मागी थी लोकायुक्त पर्यंत जाइली जोटी कहार सुफल मिललानी मत आटाक कले तदंत समय
तदंत अफिसर मानक सामना रे मते अटैक करथिले आउ याकु नै मु गोटे एफआईआर करथिली। एफआईआर कला परे आमर मंत्री को चाप रे के ताकू तार कोनोसी सुफल एक्शन हे नथिला। मते जो माने अटैक करथिले से होचंती आ वर्तमान जे अटैक करथिले से होचंती समिति सभ्य वर्तमान समिति सभ्य आउ तांको ना रे मिनिमम 100 रु अधिक केस अछि। तांको परिवार ना रे तांको पुओ तीनोटी पुओ तांको ना रे बहुत केस अछि किंतु केस थिला तो सुद्धा पैसा चक्कर आमर जो दुर्नीतिखोर बीजेडी कर्मी माने अछन्ति सेमाने कोन करछन्ति मते जीवन रु मारि देबा को बारंबार धमक दउछन्ति। या पूर्वरु मु आपण मानक माध्यम रे दुर्नीति को लढिबा पई चेष्टा करथिली किंतु ये बारंबार मते रास्ता उपरे ये ठीक सेठे देखिकिरी तू जा को उपागति की जीवु कौन आमर की करिवो आउ तते जीवन रे मारि देबु ए भलिया मानसिक धमकी दउछन्ति जहाँ फल बर्तमान मु मोर स्त्री को मते मते ये कहिबा कथा जे ना आम गाँ छाड़ कड़े पलि जा मरवा अपेक्षा आम गाँ छाड़ पलि जा तुम दुर्नीति जहाँ सी करू पर आम क्या करवा ना कितु मुद्यम कथा दूची मो जीवन हार भी बरूँ दुर्नीति विरुद्ध लड़ी जदि मुण को कथा दूची जे जिराल महादुर्नीतिर खलनायक होती आम मंत्री आउ बिजेडी कर्मी मैंने आ विरुद्ध याकु नै मु आपण को माध्यम रे ई महादुर्नीति को पर्दाफाश करबा को चाहूची आउ मते जो अटैक करा गला जते बेले अटैक करा गला मते काले मु मेडिकल जीवी बोली जिराला इमाने जाईकरी जिराला गेट टे मेडिकल गेट टे छकिले छकिला परे मु गली डायरेक्ट पळैली आउ काहा को अपेक्षा करलनी काले मते आहुरी मारिबे बोली मु पळैली कामानर कामानर थाना रे गला बळकु मते थाना रे तांग टेलीफोन कर देले हमर सरपंच साहेब कोन करंती सेठी जांती मु आपण को माध्यम रे चाहूची 8 तारीख दिन संध्या 7 रु आउ राति 10:30 पर्यंत आपण विजुअल नियंतु थानार जे को कौन मान जाइतिले आउ काही को पर्पस रे जाइतिले सेठी कि से मो विरुद्ध रे एक्शन करिया पई कोन पई जाइतिले को मान जाइतिले आपण ताकु टिके तदंत करिया पई ये करंतु मु आईआईसी महासंघ जतले कहली कहले तो कतरे किछ फोटो अछि कि बोले आज्ञा मते जे मारिबो मु तो दुकान रे बसतिले मु आउ जानिनी मोटो मोबाइल टा छड़ेकि नै गले छड़ेकि नेला परे से माने कोन कले मोबाइल टा तांको बोदे आगुरु कुहा जाइतिला तेणु से मोबाइलटा नहींक्री पलैले मोबाइलटा नहींक्र गले जिते बड़े एफआईआर मो अगेनेस्ट कले से आज आम ड्यूटी थे परिडा साहब एस आई परिडा नहींक्री से मोबाइलटा देते मुझे कहली सार एटा मो मोबाइल सी एट शुणिले से कौन कले आम आईआईसी महोदय को मोबाइलटा देदेले राति 10:00 बेलू मत आईआईसी महोदय पचारे तुमर एटा मोबाइल कि मुझे हाँ आज्ञा ना तुम पासवर्ड कौन अच्छी कहे सार पासवर्डटा मुझे कहीं कह स्क्रीन लॉक पासवर्ड कहीं आपको कहि ना ना तुम कहते बोली आम जानू मुझे स्क्रीन लॉक पासवर्ड कहली पासवर्ड कहला कह जा जा तेज कोर्टर मिले ये किसी मिलने कह आज मोबाइलटा मोर आपड़िया कहते हैं ना तू मत बिल देव आउ ये देव तापर तेज मोबाइल देव से दे मत आज्ञा दिदिन पर जितेबाला इनभेस्टिगेसन पार्टी जन इन्स्पेक्टर लेंका पीके लेंका साहब आसते सीए मोबाइल आनी मत रिसीव कर गले आउ से ता भितरे मोर जेतिक डाटा थिला जेतिक ये थिला ताकु से डिलीट कर देथिले आउ मु आपनको माध्यम रे कहिबाकु चाहूची जे ए महान दुर्नीतिर पर्दाफाश करिया पई मु मो जीवन थिला पर्यंत लडेई करबी आउ करूथिबी मध्ये विप्लव विप्लव एटी आउ गोटे कथा मे जणे पे चाहबा कि देखंतु केवल ई महेश्वर बाबू नहंती पूर्वरु मते अनेक सूचना अधिकार कर्मी एभली मर्णांतक आक्रमण शिकार होती जितेबले भी दुर्नीति विरुद्ध से माने मुह खोली एवं जिराल पंचायत जो भाव में मनरेगा ठार नहीं पायखाना निर्माण कथ कहतु कि जलसेचन डैम कथ कहतु सबुठ दुर्नीति प्राय केते कोटी टंकार दुर्नीति जिराल पंचायत हाँ देखो नीलिमा महेश्वर महांती पूर्व जन सेना कर्म सेना कर्मचारी दुर्नीति प्रतिक्रिया ना हाँ महेश्वर दुर्नीति कोटी कोटी टकर मुझे साधारण कह पूर्व आम एम आई जो माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट आपकी देखेबी प्राय 5 कोटी अधिक 500 मीटर भितर 5टी चेक डैम कर जोटी की 3 गुंठर बिल भी पानी माड़ूना तापर जो शौचालय जो प्रधानमंत्री शौचालय योजन बहुत घोटाला इंदिरावास आपड़ी देखिए तेज़े इंदिरावास तो हिताधिकारी मैंने पा ना केवल जो मैंने दि महला जार कोठाघर अच्छी से मैंने पाँच एपरिकी राशन जदि राशन देखिए प्रकृत हिताधिकारी
ଅନ୍ତତଃ ଯୋଜନାରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଇଏ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲା ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଜମି ବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ସେମାନେ ତାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼େ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଥିଲେ, କଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତ କଣ କଣ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସାର? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆକ୍ରମଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଆପଣ କେବେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଘଟଣାଟା ପୁରା କହିବେ, କେବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୁଁ ଆରଟିଆଇରେ ମାଗି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି କେ ନାୟକ ସାହେବ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ଓକିଲ କତିକି ଯାଅ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଲେଖିକି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରିବା, ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ନହେଲେ ଏଇଠି ବସାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଓକିଲକୁ ଡିଟେଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ଡିଟେଲଟିକୁ ଦେବୁ ଇଏ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଇଏ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଶୌଚାଳୟ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏଇ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିବେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଜିରାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଯିଏ ହେଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ କି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଲବୀ ରେଟ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଲବ ବରାଳ। ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ 20 ଦିନ ଧରି ଆମର ଅନଶନରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନୁହନ୍ତି, ଆଳି ଏବଂ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତା, ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତା ନାୟକ। ଆମ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା। ପ୍ରଭାତ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବଳପୂର୍ବକ କୋଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ସେଇ ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସେହିଦିନ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଠାଇ ନେଲା ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତେବେ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ସେହି ରହିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାସଭବନ ରହିଛି, ସେହି ବାସଭବନ ପରିସର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ଭାବନାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଯେ କି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 19-20 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ପାଣି ଯଦି ଯାଏ ତେବେ
निश्चित भाव कह गोटे प्रकार स्थित संगीन हो कारण यी भितरकनिका नष्ट जो सहंताल वन नष्ट अनेक पशुपक्षी जीवन जीविका हर आज्ञा कौन कह आप स्वामी परेशद जड़े आपण स्वामी सामाजिक कार्य निजक नियोजित करते उन्नीस कोड़े दिन बीतीगला आमरण अनुसार बर्तमान आप स्वामी केमती अच्छा आप कौन कहे आज्ञा नमस्कार मु संभावना सुविधा कह आज को 20 दिन हो गला मो स्वामी अनशन अच्छा एक तृण माने साधारण जनता पाखर आरंभ कर सरकार समस्ते जानवा सत्वे अगस्त 15 दिन जो भाई भाव प्रशासनिक अधिकारी मानकर सहायतार पुलिस जमी भाव घोषाड़ी घोषाड़ी नाला से सबुठ बड़ दुखदायक घटना आमे एक सरकार को पचार चाहूँ आपण मानम जे मो स्वामी कौन करथिले को आरंभ जोठी से माने गोटे परिवेश काम करिया प्रस्तुत है कि गोटे मानसिक स्तर रे छोटरु बड़ जाए आज आम समस्त एठी जिते अच्छु परिवेश काम करथिला बेले से आज जाकि पुलिस तंगु एमती घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं केन्द्रापड़ा हॉस्पिटल रे रखिला कोनोसी भी परिवार को तार परिवार को कोनोसी भी सूचना नदी पुन केन्द्रापड़ा हॉस्पिटल लो राती अध्याय माने गोटे अतर्कित भाव से माने पुण कटक को नेले कटक रे गोटे दिन गछ तले रहिबा परे तंगु बेड न मिलबारु से नै कि पुण आईसीयू रे रखिले कोनोसी सूचना परिवार रे नाही कि कोनोसी खबर आमे पाहु कोनी वर्तमान व्यस्तता प्रकाश करछन्ती श्रीकांत पत्नी कविता नायक कारण श्रीकांत को विषय रे कोनोसी प्रकार खोज खबर मिलि पारने बा तंको परिवार को कोनोसी खबर दिया जे नथबा तंको पत्नी अभिजोख करछन्। धन्यवाद प्रभात, एरेटम प्रतिनिधि प्रभात लिंका, समय छि बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।